हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज सोहेल महाजन फ्रॉम एएमई टेक्नोलॉजीज। सो फ्रेंड, आज का जो हमारा सेशन है वो हम कैटिया पे फर्दर आगे कटिंग और स्टैम्पिंग टेक्निक्स देखेंगे। सो यहाँ हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ मैंने इनिशियली एक प्लेट बना के रख ली है जनरेटिव शीट मेटल में। अब इसमें लास्ट क्लास में हमने किया था कॉर्नर रिलीफ में, अब हम करेंगे कॉर्नर। कॉर्नर बेसिकली क्या होता है? फिलेट। सो कॉर्नर सेलेक्ट किया, ये रेडियस जितना भी आपने डालना है 15 mm, एंड सिंपली जस्ट सेलेक्ट द कॉर्नर। और ये आप देख सकते हैं यहाँ मेरी यहाँ फिलेट लग गई। नेक्स्ट है चैम्फर। चैम्फर इज स्ट्रेट, ये उसकी टाइप से चैम्फर भी, जो जो आप देना चाहते हैं से 50 mm। सो यहाँ पर प्रीव्यू एंड ये चैम्फर यहाँ देख सकते हैं लग गई है। अब है फ्रेंड हमारा इसके बाद कटिंग एंड स्टैम्पिंग में, दैट इज स्टैम्पिंग पार्ट। सो स्टैम्पिंग बेसिकली मैं आपको जनरल बताऊं, स्टैम्पिंग एक हमारा शीट मेटल का ही प्रोसेस होता है। जैसे आपने कई बार देखा होगा जो हमारे सीपीयू के कैबिनेट होते हैं उसके जो पीछे जहाँ एरिया होता है, जहाँ पर हमारा जो फैन के नीचे एक ऐसी स्ट्रिप्स बाहर निकली होती हैं, वो स्टैम्पिंग के थ्रू निकली होती हैं। और भी फर्दर इसकी एप्लीकेशन है, जैसे जो हमारा एसी का कंप्रेसर होता है उस पर जो डेंट पड़े होते हैं वो भी स्टैम्पिंग टेक्निक से निकाले जाते हैं। स्टैम्पिंग में बेसिकली क्या होता है, पीस हमारा माउंट कर दिया जाता है एक डाई के ऊपर, पंच उसके ऊपर आगे स्ट्राइक करता है और एक प्रोफाइल जनरेट कर देता है। सो हम यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा स्टैम्पिंग में प्रोसेस है, दैट इज सरफेस स्टैम्प। सरफेस स्टैम्प बेसिकली क्या होती है, इसमें एक क्लोज स्केच बनाना पड़ता है जितनी लेंथ का आपको इसमें स्टैम्प लगाना है। सरफेस स्टैम्प सेलेक्ट किया, यहाँ पर हम प्रोफाइल पे जाके क्रिएट स्केच करके मैं सरफेस के ऊपर स्केच बनाता हूँ। जैसा मैंने आपको बताया कि वो स्केच क्लोज होना चाहिए, तो मैं एक रेक्टेंगल बनाता हूँ एंड देन प्रीव्यू। और आप ये देख सकते हैं यहाँ पर मेरा सरफेस स्टैम्प डेवलप हो गया, ये देखिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट है इसमें फ्रेंड्स बैंड बीट। सॉरी, सो बीट बेसिकली क्या होता है, बीट के लिए स्ट्रेट एक लाइन हमें जनरेट करनी पड़ती है, उसका पाथ या उसकी लेंथ डिफाइन करने के लिए। क्रिएट स्केच, सो यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन से उसको अलाइन कर लेते हैं, देन प्रीव्यू। और आप ये देख सकते हैं ये मेरी यहाँ बीट लग गई, ये देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन। देन है फ्रेंड्स कर्व स्टैम्प। कर्व स्टैम्प बेसिकली क्या होती है, से यहां पर एक क्रिएट स्केच किया, देन एक लाइन ड्रॉ करी, क्लोज किया स्केच, प्रीव्यू। ये भी हमारा स्ट्रेट लाइन पे ही वर्क करता है। अब ये जो हमने जो ये तीन करे हैं इस पे देखें, सरफेस स्टैम्प में हमारी ये जनरल प्रॉपर्टीज होती हैं, एंगल हाइट रेडियस हम मॉडिफाई कर सकते हैं, ये उसका टाइप हो गया कि किस टाइप का करना है आपने। नेक्स्ट है बीड। बीड में आप इसमें सेक्शन रेडियस, एंड रेडियस, हाइट डिफाइन और रेडियस डिफाइन कर सकते हैं। एंड कर्व स्टैम्प में आप एंगल हाइट और लेंथ मीटू से प्रोडक्ट हमारे पास एक ऐसा जनरल बनता है, लेकिन जो उसकी जो टेक्निक्स है, कुछ फीचर्स हैं, वो हर एक टूल में अलग अलग है। सो ये था। अब जैसे इसको मैं हाफ पीस कर देता हूँ, प्रीव्यू किया, अब देखिए फ्रेंड्स इसकी प्रोफाइल बदल गई है हाफ पीस करने पे। इस पे जो हमारे फिलेट लगने थे वो रिमूव हो गए हैं। सो ये था फ्रेंड हमारा आज का सेशन स्टैम्पिंग का। नेक्स्ट सेशन में हम फर्दर और स्टैम्पिंग टेक्निक्स पे आगे स्ट्राइक आउट करेंगे। सो मैं सोहेल महाजन फ्रॉम ईएमई टेक्नोलॉजीज, एंड अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, दैट इज ईएमई टेक्नोलॉजीज, तो उसे प्लीज सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।